उनकी जनानी यहाँ पे फौत हो गई थी, फिर उसके बाद वो दोबारा यहाँ पे नहीं आए। अब बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी जनानी का कत्ल हुआ था, पर अल्लाह जाने क्या सच है क्या नहीं। मुझे बताओ वो किसका घर है। ऐना बाहर अभी मेरा उस घर से क्या ताल्लुक है। ऐना मैं तुम्हें चोट लगी हुई है, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं माजूर नहीं हूँ और ना मैं बीमार हूँ, खुद ख्याल रख सकती हूँ अपना। दरियाबाग से आखिर हम लोगों का क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है हमारा इस जगह से, क्या ताल्लुक था हमारा और अमान की फैमिली से। दरियाबाग में बैठ के तुम्हें सबूत ला के दूंगी, वो सबूत जिन्हें देख के तुम्हें यकीन आएगा कि मेरे आगा जान बेकसूर है, और फिर उस दिन तुम अपने अल्फाज वापस लोगे और मुझसे गिड़गिड़ा के माफी मांगोगे। मैं भी तो उसी माफी के दिन का इंतजार करूंगा। उस दिन माफी कौन मांगेगा, ये तो वो दिन बताएगा। खाला, सारा दिन गुजर गया आपको इसी तरह परेशान बैठे देखकर, और ये फोन भी आप सुबह से अपने पास रख के बैठी हुई हैं। नुशाबा, देख रहा तुम्हारे मोबाइल पर कोई मैसेज कोई कॉल आई हो मेरे लिए। सुबह से कितनी बार दिखवा चुकी हैं खाला, कोई मैसेज नहीं आया, और अगर फोन आता ना तो इतनी जोर से घंटी बजती। मैंने शराफत को कहा भी था कि अली बख्श को मेरा पैगाम दे दे कि मेरा बात करना उससे बहुत जरूरी है, पता नहीं उसने क्यों नहीं फोन करवाया, कहीं उसने मेरा पैगाम ही ना दिया, वरना अली बख्श को कहो ना तो फौरन मुझे फोन करता है वापस। दोपहर से रात हो गई है अभी तक कॉल नहीं करवाई। आ जाएगा ना फोन खाला, और नहीं आएगा तो आप कर लीजिएगा। अभी सब काम छोड़कर आप खाना खाइए ना, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया। नहीं मुझसे नहीं खाया जाएगा, बस मुझे इस्लामाबाद जाना है, मुझे इस्लामाबाद भिजवा दो। नहीं नहीं खाला, अभी तो बहुत रात हो चुकी है, आप सुबह चले जाइएगा। नहीं नहीं, मैं सुबह तक इंतजार नहीं कर सकती, वरना तो वक्त क्यामत आ जाएगी। मेरा साहब से मिलना बहुत जरूरी है, उन लोगों को तो अंदाजा ही नहीं है कि उनकी जिंदगियों में कितनी बड़ी क्यामत आने वाली है। मगर खाला इस वक्त रात में जाना मुनासिब नहीं है, आप सुबह। तुम्हें अल्लाह का वास्ता, बस मुझे इस्लामाबाद भिजवा दो, मेरा वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा बेटा। अच्छा अच्छा, आप परेशान मत हो, आप खाना तो खाइए। ये साथ वाली रजिया है ना, उसके बेटे यासीन से मैं कहती हूँ आपको मोटरसाइकिल पे बसों के अड्डे तक छोड़ कर आएगा, बल्कि छोड़ के क्यों आएगा, बस में बिठा कर आएगा। खाना खाए, ठीक है ये ठीक है, मैं खाना खा लूँ जल्दी से। बुआ जी, दरियाबाग से आखिर हम लोगों का क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है हमारा इस जगह से, क्या ताल्लुक था हमारा अमान की फैमिली से। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, मेरा मुझे माफ कर दो, मैं फारूक को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। मामा कहाँ है? बेटा वो अपने कमरे में होंगी। अपने कमरे में इतनी देर से क्या करनी है, मैंने इतनी दफा नॉक किया, इतनी दफा आवाज़ें दी, वो नहीं खोल रही। बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी ना, वो सो रही है। ये क्या बात है, मेरे लिए तो दरवाजा खोलें, और आगे जान कहाँ है?
उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हम बाहर जाएंगे, मैं आगे जानू मामा जान से कुटी हूँ पक्का वाला। अरे नहीं बेटा, मामा से और आगा जान से नाराज थोड़ी होते, वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अब बाबा जान ना काम से बाहर गए हुए, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और मामा भी बाहर आ जाएंगी, तब तक ना मैं अपनी ऐना बेटी के लिए मीठा पराठा बनाती हूँ, खाओगी ना, आपको भूख लगी है, अभी बना कर लाई। तुम प्लीज मुझे मीर फारूक से बचा लो, वो एक शैतान है, तुम जानती हो उसने कल क्या किया, मेरे घर आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश किया उसने। जो कुछ आपसे कहना चाहती थी खत में नहीं कह पाई अब्बा, कैसे कहूं, आप मुझसे इतनी दूर हैं, मेरी परेशानी का पढ़कर परेशान हो जाएंगे, इस वक्त मुझे आपकी और अम्मी की बहुत जरूरत है, आप दोनों को अपने दिल का दर्द सुनाना चाहती थी, वो जिसे मैंने आपसे जिद कर अपने लिए चुना वो इतना नीच इतना घटिया निकलेगा मैं कभी मर कर भी नहीं सोच सकती थी, उसने एक बाकिरदार और शरीफ लड़की पर पूरी नजर डाली, उसने मेरी दोस्त को रेप करने की कोशिश की, मेरा दिल दर्द और गम से फटा जा रहा है अब्बा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या फैसला करूं अब्बा, मुझे मीर फारूक से घिन आ रही है, नफरत हो रही है, मैं अब इसके साथ एक छत तले कैसे रह पाऊंगी, इसे अपने शोहर और अपनी बेटी के बाप के तौर पर किस तरह बर्दाश्त कर पाऊंगी, क्या फैसला करूं, सख्त उलझन में हूं अब्बा। बीपी जी आ जाए बुआ जी, जी बुआ जी। बीपी वो अली बख्श का फोन आया था, कह रहा था कि साहब इस्लामाबाद में है किसी ऑफिस के काम से, वो लोग परसों आएंगे। ठीक है, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुआ जी। वो मैं इसलिए पूछ रही थी कि ऐना बहुत जिद कर रही है, मैंने उसे बहुत बहलाने की कोशिश की, अगर वो कह रही है मामा सुबह से कमरे में बंद है। काफी दिनों से अब्बा का खत आया रखा था, उसका जवाब दे रही थी, आपको मौका मिले तो किसी मुलाजिम से कहकर पोस्ट करवा दीजिएगा। जी कर दूंगी। आप ऐना के पास जाएं, मैं आती हूँ। जी मामा, मामा। ओ, मेरी जान कैसी है मेरी डॉल। आप कहाँ थी? मेरी जान मैं तो यहाँ ही थी कमरे में। आपको पता है मैंने डिनर नहीं किया, मैंने बुआ जी को कहा मैं आपके साथ खाऊंगी। तो मेरी जान हम साथ खाना खाएंगे, ठीक है? क्या हुआ मामा? कुछ नहीं हुआ मेरी जान, कितना पाला लग रहा है मेरा बेबी। डिनर करते हैं। हाँ हेलो मेरी जान, आहा बूट्स और जैकेट घर में, ये कौन पहनता है? ये मेरी बीबी है और उसकी मामा एंड आई कांट ईट आइसक्रीम। ओह वाओ, ये आपकी बीबी है, ये तो बहुत प्यारी बीबी है आपकी, इसलिए इतनी तैयार हुई हुई है आइसक्रीम के लिए मेरी जान।
इसकी पोनी बनाते हैं। अच्छा मेरी जान, लाओ पोनी बनाते हैं इसकी। आका जान किधर है? आगा जान आपके काम पर गए होंगे, आ जाएंगे एक दो दिनों में। इतने दिन हो गए, 3 days हो गए वो नहीं आए। हो सकता है आज आ जाए। ये देखो मैंने इसकी पोनी बना दी, कैसी लग रही है? ये क्या कहते हैं इसको? ब्रेसलेट कहते हैं। आप हर रोज क्यों पहनती हैं? जिस शख्स ने मेरे भरोसे और यकीन की धजियां बिखेर दी थी उसने ये शादी की रात में पहनाया था। इतना जाने के बाद भी इसे मैं अपने हाथ से उतार ना सकी। ये आपके आगा जान ने मुझे दिया था मेरी जान। अच्छा मुझे ये बताओ आपकी डॉल का नाम क्या है? चेल्सी। चेल्सी, ओह माय गॉड, व्हाट अ लवली नेम। ऐसा कैसे हो सकता है? बकवास कर रहे हो तुम, मैं नहीं मान सकती। है ना, तुम बैठो, मैं आई। मेरी बात नहीं। अरे क्या हो रहा है यहाँ? बुआ जी क्या हुआ? बीबी ये कह रहा कि अरे तुम बताओ क्या हुआ है। बेगम साहबा, आपकी वो दोस्त है ना हमारा, जी उनका एक्सीडेंट हुआ, वो सबके सब मारे गए। उनकी गाड़ी खाई में पड़ी हुई मिली, बच्चों समेत पूरा का पूरा खानदान मारा गया जी। क्या हो गया, क्या क्या पर टूट पड़ी? सच्ची बात है बुआ जी, वो मुझे अब्दुल रहमान मिला था रास्ते में, वो बता रहा था साहब जी और बेगम साहबा पिकनिक पे गए थे, रात को देर तक नहीं आए तो मैं उनको ढूंढने निकल गया। दूर कहीं जंगल में जाके देखा तो उनकी गाड़ी एक खाई में पड़ी हुई थी, बच्चे और बेगम साहबा साफ समेत सबके सब सब खाक हो गए। उनको उनको पहचाना कैसे? वो मैं अब्दुल रहमान जो है ना पुलिस लेके गया था, वहाँ जाके देखा तो साहब की जली हुई घड़ी से साहब को पहचाना। बेगम साहबा ने जो कुछ जेवर पहने हुए थे ना उनसे उन्होंने पहचाना कि ये बेगम साहबा की लाश है, और सबके सब जले हुए, कुछ नहीं बचा बेगम साहबा, कुछ भी नहीं बचा। अल्लाह माफ करे, सबके सब मारे गए। काम से मगर आ गया हूँ मैं, ठीक है अभी थोड़ी देर में खेलते हैं हम लोग, जाओ खेलो। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम, कैसी हैं आप? जी सब खैरियत, बस बीपी की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? उन्हें बहुत तेज़ बुखार है, मैंने दवा भी दी है और ठंडे पानी की पट्टियाँ भी की हैं मगर बुखार नहीं उतर रहा। नूरजान मैं भी आता हूँ कपड़े बदल के। है ना, आप मेरे साथ खेलें। हाँ अस्सलामुअलैकुम, नरगिस बुआ बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, क्या हो गया, बुखार हो गया? ठीक हूँ। डॉक्टर के पास ले चलूँ तुम्हें? उबैद भाई हुमैरा और उनके दोनों बच्चों की डेथ हो गई है। हाँ पता चला है मुझे, बेचारों की गाड़ी खाई में गिर गई, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आप तो यहाँ थे ही नहीं, आपको कैसे पता? कैसे नहीं पता चलता, दरियाबाग के फॉरेस्ट ऑफिसर का एक्सीडेंट हो गया, बड़ा अफसोस हुआ, आग की तरह खबर फैली। इतने दिनों से आप कहाँ थे? 3 दिन से आप यहाँ नहीं। अली बख्श ने तुम्हें बताया नहीं, कैसफील्ड पे गया हुआ था, ऑडिटर्स आए हुए थे, इतना आसान नहीं होता है कि मैं आ जाऊं, बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व कर रहा था। खैर मैं कपड़े चेंज कर लूं, नूरजान भी बाहर मेरा इंतजार कर रही है, अगर तुम्हारी तबीयत संभलती नहीं है तो डॉक्टर के पास ले चलता हूं तुम्हें, और फिर बाद में हम उबैदुल्लाह और मेरा की तरफ भी चले जाएंगे ताजियत के लिए। नौकर के अलावा तो कोई भी नहीं होगा वहां, मगर जाना तो जरूरी है, पता नहीं उनके रिश्तेदार हैं भी कि नहीं है। ओके
मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है नीलोफर। मेरे हंसते मुस्कुराते घर में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। मुझे माफ कर, फारूक की घटिया सोच और गंदी ज़हनियत जाने बिना ही तुम पर शक करने लगी थी। मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम समझ तो रहे हो ना ये सब मैं बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? हाँ, मैं फारूक को तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। प्लीज मुझे मीर फारूक से बचा लो, वो एक शैतान है, घटिया आदमी है। तुम जानती हो उसने कल क्या किया? मेरे घर आके मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश किया उसने। मुझे उससे डर लगने लग गया यार। आई डोंट फील सेफ अराउंड हिम एनीमोर। मुझे तो लगता है मेरे शौहर को, मेरे बच्चों को वो कोई नुकसान पहुंचा। तुम्हारा शौहर है ना नीलो, पर बात करो उससे, रोको उसको ये सब कुछ करने से, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारा शौहर, तुम जानती हो उसकी हरकतों को भी जानती होगी। हम तुम उसको रोको, उसको दूर रखो मुझसे, मेरे बच्चों से, मेरी जिंदगी से। प्लीज कुछ करो इस बारे में, मुझे बहुत डर लग रहा है। Selfie, are you hungry? Mama, आप रो रही हैं? नहीं मेरी जान, मैं क्यों रोऊंगी? चलो तुम सो जाओ, आंखें बंद करो, कलमा पढ़ो और सो जाओ, ठीक है मेरी जान? अच्छा ये चलसी आपके साथ, खुश हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, यू लुक सो प्रिटी। ऑफ़, ये है मेरे हस्बैंड उबैदुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। और उबैद, ये है फारूक। अस्सलाम वालेकुम। और ये है मेरी बहुत अच्छी दोस्त नीलो। नाइस टू मीट यू। वैसे दोस्त हम पहले थे, पर अब हुमैरा मेरी ज्यादा अच्छी दोस्त है। बिल्कुल, आपकी वो दोस्त है ना हुमैरा, उनका एक्सीडेंट हुआ, वो सबके सब मारे गए, उनकी गाड़ी खाई में पड़ी हुई मिली, बच्चों समेत पूरा का पूरा खानदान मारा गया जी। बीबी, मैंने नमाज पढ़ ली है, अब मैं अन्ना के पास हूँ, आप जाकर आराम कर लें। बीबी, आप अपना गम दबाएंगी ना तो बीमार पड़ जाएंगी, एक बार खुलकर रो लें, मेरे गले लगकर रो लें। मैं ठीक हूँ बुआ जी, आप आए अन्ना के पास बैठे, आ जाए।
मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। वो एक शैतान है। दरियाबाग से उबैद को भी जान पूछ के उसने भिजवाया सियासत, ताकि उनकी गैर मौजूदगी में वो मेरे साथ वो सब कुछ कर सके जो वो करने के लिए आया था। ये सब कुछ वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि कल रात फिर उसने एक बार शादी की पेशकश की जो थप्पड़ मार के मैंने इनकार करके उसको भेजा है। अब पता नहीं उसकी ईगो हर्ट हो गई है, मुझसे कोई बदला लेना चाह रहा है, इंतकाम लेना चाह रहा है या क्या। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ मेरा, इतने साल साथ रहकर भी मैं उस शख्स को जान ना सकी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी फारूक इतनी घटिया हरकत करेगा। फॉरेस्ट ऑफिसर और उसकी फैमिली बेचारे हादसे में मारे गए, उनके घर भी चले गए, ताजियत भी हो गई, नौकरों से भी मिलती है। उसके माँ बाप बहन भाई तो कोई है ही नहीं, ये भी पता चल गया। उस फॉरेस्ट ऑफिसर के पास था ही क्या जो उसके मामे चाचे आके उसकी जायदाद लेना चाहेंगे। अखबार में पढ़ा था साहब, फॉरेस्ट ऑफिसर अपने बीवी बच्चों समेत एक्सीडेंट में मारा गया, किसी को कोई शक नहीं हुआ साहब। अली बख, मेरा के दोनों बच्चे गाड़ी में थे ना? जी साहब, वो दोनों पीछे गाड़ी में सो रहे थे, मैंने उन्हें कई गोलियां मारी थी, वो दोनों गोलियों से ही मर गए होंगे साहब। कोई जान बची भी होगी तो वो जलकर मरने से पूरी हो गई होगी। अली बख्श, तुम्हारी इंफॉर्मेशन बड़ी पक्की थी, पता कैसे चला कि वो लोग पिकनिक पे जा रहे हैं? उबैदुल्लाह के बेवकूफ नौकर से उकलवाया था साहब। शाबाश, प्लानिंग में कोई झोल नहीं था साहब। माहिर से माहिर अफसर अगर तफ्तीश करे तो वो भी नहीं पकड़ सकता कि ये पतल था, पक्की प्लानिंग थी साहब। अली बख्श, कोई भी काम के लिए ना प्लानिंग बहुत जरूरी है, और पक्की प्लानिंग के लिए आंखें और कान दोनों खुला रहने बहुत जरूरी होता है। मेरी दो आगे भी आंखें हैं, दो आंखें पीछे। क्या खरीद किया? तुम्हारा ही घर है, अंदर आ जाती। क्या सुन रही थी? क्या सुन रही थी तुम? चल कमरे में चलते हैं। मैंने आपकी सारी घिनौनी बातें सुन ली। आपने हुमैरा को मार दिया, उसके बच्चों को, उसके शोहर को मार दिया। क्यों किया आपने ऐसे? पकड़ लो यार। क्या सुना? सब कुछ सुन रही है, और अगर आप समझेंगे कि मैं चुप रहूंगी तो मैं चुप हरगिज़ नहीं रहूंगी। मैं आपको आपके अंजाम तक पहुंचाती रहूंगी, आपको सज़ा दिलाऊंगी। पहले आपने इतने साल उसको गंदी नजर से देखते रहे, फिर उसको शादी पर मजबूर किया, जब उसने इनकार किया, उसको रेप करने की कोशिश की, और जब उसमें भी नाकाम हो गए तो उसको उसके बच्चों और शोहर से भी मार दिया। मामा को कोई मारा पुआ जी? नहीं नहीं बेटा, कोई नहीं। वो बाहर टीवी की आवाज आ रही है ना, इसलिए आपको लग रहा है कोई भी नहीं है। आप सोचो, सोचो शाबाश। क्यों मारा आपने मेरे को? क्यों मारा उसके बच्चों को? क्यों मारा? नल्ले जग की मारा को। ये बहुत जमान का घर है, क्या करेगी तू? क्या करेगी तू? मुझे चुप नहीं करवा सकते, मैं बोलूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगी, आपको आपकी सजा दिलवाऊंगी। मुझे मुझे डर लग रहा है। मैं हूं ना आपके पास, बस डरना नहीं है। जान से मार दूंगा तुमको मैं।
मरा मैंने, तो तुम्हारी जान ले दूंगा। चलो अंदर, चलो अंदर, चलो अंदर। देखे मामा को ये मारा है बुआ जी। नहीं नहीं बेटा, वो टीवी की आवाज है, ऐसे ही आपको लग रहा है, मामा तो सोने गई है। मुझे मार देगा, मामा को मार देगा, वो मुझे मार देगा। है ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता, ख्वाब देख रही हो, सब ठीक है, सब बिल्कुल ठीक है। तुम अपने कमरे में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक है, सब नॉर्मल है। हाँ, सांस लो, सांस लो। उसके पास गन है, उसके पास। ख्वाब देख रही हो, कुछ नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। नूरे जान, वो ख्वाब था, तुमने ख्वाब देखा है? उन्होंने मामा को मार दिया, उनका ब्लड लग रहा था बाबा जान। अरे नहीं नहीं, वो ड्रीम थी नूरे जान, कोई बुरी ड्रीम। मामा जान बिल्कुल ठीक है, मामा जान को कुछ नहीं हुआ, वो काम से बाहर गई हुई। तुमने वो सब ख्वाब देखा है, कलमा पढ़ के दुआ मांग के सोगी ना तो बुरे ख्वाब नहीं आएंगे। जाओ यहाँ से। तुम्हारी तबीयत संभल जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से, मैं ठीक हूँ। है ना, प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं चली जाती हूँ, तुम नहीं जा रहे थे। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैं चला जाता हूँ, तुम बस कुछ स्ट्रेस ना लो, मैं चला जाता हूँ। टैबलेट्स लेकर आए, वही जो डॉक्टर हसन ने प्रिस्क्राइब किए, तुम ले लो, यू विल फील बेटर। आई नो यू आर शिवरिंग, प्लीज मेडिसिन ले लो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी मेडिसिन, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दी और ना ही तुम्हारी झूठी मोहब्बत। अच्छा मेरे लिए नहीं तो अपने लिए ले लो, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी, प्लीज। मेरी तबीयत खराब होती है या मैं मर जाती हूँ, तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। मैं मरूं या जीऊं तुम्हारे से कोई ताल्लुक नहीं है, तुम जाओ यहां से। जाओ, जस्ट गो। इतना भरोसा, इतनी मोहब्बत, इतनी वो दीवानगी, यूं टूट कर तुमको
चाहा था हमने ना सोचा यूं बह जाएंगे। खैरियत है, तुम ठीक हो? कुछ चाहिए मैं दे देता हूँ। कैसे छोड़ दूं तुम्हें अकेला, कैसे मोहब्बत ना करूं तुमसे, ये मेरे बस में नहीं है। काश तुम मीर फारूक की बेटी ना होती, तुम कोई भी होती बस उस जानवर की बेटी ना होती, फिर कितनी आसान होती जिंदगी। या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, मुझे इन ख्वाबों से छुटकारा दे दे। सारी उम्र ये ख्वाब देखते देखते थक गई हूँ। ख्वाबों का मेरी जिंदगी से क्या ताल्लुक है? कुछ भी राज खोल दे, मुझे इन ख्वाबों से निजात दे दे, मुझे सच्चाई दिखा दे, मुझे इस अजाब से निकाल दे या अल्लाह। तुम्हें दुखी देखता हूं तो दिल रोता है। तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन काश तुम्हें बता सकता कि मुझसे भी बड़ा तुम्हारा गुनहगार और मुजरिम तुम्हारा अपना सगा बाप है। मीर फारूक ने मेरे साथ, मेरे खानदान के साथ जो भी जुल्म किया सो किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ, अपनी इकलौती बेटी के साथ भी कितना जुल्म किया। तुम्हारी ये हालात देखता हूँ तो ये ख्याल आता है कि उस शख्स ने तो इस सगी औलाद को भी नहीं बख्शा, वो किसी और पर क्या रहम खाएगा। नहीं ये दिल मेरा तुझी से है ये जामिला।